जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है देव प्रतिमा फोटो मूर्ति इत्यादि बाजार से घर लाने की सही विधि। आज का ये विषय अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं रोचक सिद्ध होगा आपके लिए। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। देखिए, आप सभी लोग, सारे ही भक्त लोग अपने पूजा पाठ के लिए बाजार से अनेकों अनेक देवों की, भगवानों की फोटो मूर्ति इत्यादि घर लाते हैं पूजा पाठ के लिए, और आप लोग अनेकों तीर्थों पर भी जाते हैं। साल में, दो साल में आप लोग अपने घर के सदस्यों के साथ में अनेकों सिद्धपीठ या तीर्थ स्थान पर जाते हैं। वहाँ दर्शन इत्यादि करने के बाद वहाँ के बाजार से आप उन देव प्रतिमाओं को, फोटो को, मूर्ति इत्यादि को पूजा पाठ के उद्देश्य से उनको आप अपने घर लाते हैं। परंतु आप जिस तरीके से घर लाते हैं वो तरीका ही गलत है। आप लोग बाजार से जब भी किसी भी देव या भगवान की मूर्ति, फोटो, प्रतिमा इत्यादि को घर लाते हैं तो सबसे पहले आप दुकानदार से क्या बात करते हैं, क्या पूछते हैं? आप पूछते हैं कि ये कितने की है, इसका क्या मूल्य है, इसका क्या प्राइस है? और दुकानदार कहता है, बाबूजी ये 150 रुपए की है, ये 250 रुपए की है, दोनों ही मूर्ख हैं। पूछो क्यों? किसी भी देव की प्रतिमा, मूर्ति, फोटो इत्यादि अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका मूल हम और आप या कोई भी सांसारिक व्यक्ति लगा ही नहीं सकता। ना किसी में दम है, औकात है उसको बेचने की, ना किसी में दम है, औकात है उसको खरीदने की। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से वो देव आपसे वही नाराज हो जाते हैं। फिर आप उस देव प्रतिमा को घर लाते हैं, उसकी पूजन पाठ करते हैं, जिसकी वजह से उसका पूर्ण फल, पूरा लाभ आपको मिल ही नहीं पाता है। देखिए, कोई भी देव या प्रतिमा या कोई भी भगवान, उसकी मूर्ति, फोटो, प्रतिमा ये अमूल्य है। इसका मूल ना दुकानदार लगा सकता है, ना हम उस मूल को चुका सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये तरीका ही गलत है। ऐसा करने से आपके इष्ट और देव अत्यंत कुपित होते हैं, नाराज होते हैं, जिसकी वजह से आपको पूजा का फल पूरा प्राप्त नहीं हो पाता है। उस देव प्रतिमा, मूर्ति, फोटो इत्यादि को घर लाने की जो सही विधि है वो हम बता रहे हैं, उसको आप ध्यान पूर्वक सुने। आपको जो भी देव प्रतिमा, मूर्ति, फोटो इत्यादि जो पसंद आए, उसको बहुत ही आदर और इज्जत के साथ आप उसको अपने हाथ में लें। उसके बाद आपको दुकानदार से पूछना है, कहना है कि भाई इसकी क्या नौछावर कर दूं मैं, क्या राशि या क्या अमाउंट से मैं इसकी नौछावर करूं आपको। हालांकि इस शब्द को सुनकर दुकानदार थोड़ा चौंकेगा, लेकिन वो समझ जाएगा कि ये
अध्यात्म का ज्ञानी पुरुष है, फिर वो उसको आपको उसकी राशि बताएगा। जो भी राशि बताए उस राशि को आप अपने हाथ में लेके उस देव प्रतिमा फोटो या मूर्ति के ऊपर 11 बार उसार कर उस दुकानदार को बहुत इज्जत से उसके हाथ में दे दो, सीधे हाथ में दे दो, और सीधे हाथ से आपको अमाउंट देनी है, राशि भी आपको सीधे हाथ से देनी है और दुकानदार के भी सीधे हाथ में आपको राशि प्रदान करनी है। फिर आप उस प्रतिमा को या फोटो को या मूर्ति को इज्जत के साथ अपने घर लाएं। फिर घर लाने के उपरांत उसको गंगा जल से शुद्ध करके, शुद्ध देसी घी का दीपक जला के, धूपबत्ती इत्यादि करके, भोग लगा के आप 21 रुपए की एक दरखास्त लगाए उस देव का नाम लेके, उनसे विनती करें कि महाराज आप इसमें पधारो, ये है सही विधि। उसके बाद जो आप पूजा पाठ करोगे उस देव प्रतिमा की या उस देवता की या उस इष्ट की, तो उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा, यह है सही विधि। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, और आप अपने स्पिरिचुअल चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। जय श्री राम।